नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर से आ रही है कि आईजी रैंक के कहीं ना कहीं वो आईपीएस ऑफिसर और जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही अलग पहचान बनाने वाले एक ऑफिसर, उनको निलंबित कर दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ बसंत रथ की। हाल ही में जब यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी और इस प्रकार थी कि स्थिति जो थी काफी गंभीर, में लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उस समय जब ऑफिसर आते हैं जो तख्ता पलट कर देते हैं, एक तरह से जम्मू कश्मीर की जो ट्रैफिक का सूरत हाल है वो बदल देते हैं। लेकिन अभी की खबर ये आई है कि आईजी रैंक के अधिकारी बसंत रथ को निलंबित किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि कहा गया है कि वो मिसबिहेवियर कर रहे हैं, यानी कि वो अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ देर पहले अगर हम कहें तो ये जो आईजीपी बसंत रथ है, इनके कुछ ट्वीट्स जो थे वो चर्चा का विषय बन रहे थे। और हाल ही में अगर हम कहें तो इनके आप ट्विटर अकाउंट को अगर आप खंगालते हैं, चर्चा का विषय बन रहे थे कि तमाम लोग जो थे यहाँ पर एक कह रहे थे कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच का कोई विवाद है या नहीं है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं वो इशारा जो थे वो शीर्ष अधिकारियों के बीच के विवाद को ही ये तमाम ट्वीट जो थे इशारा कर रहे थे। और हाल ही में ये विवाद इतना गंभीर हो गया कि यहाँ पर जो देखा जा रहा था कि आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं बसंत रथ, उन्होंने थाने में शिकायत तक दर्ज करा दी कि उन्हें डीजीपी दिल जान का खतरा है, ये कहना था बसंत रथ का। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो मुकदमा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन केवल वो पुलिस को ये जानकारी देना चाहते हैं कि किस प्रकार जो है उनकी जान को खतरा है। और यहाँ पर अगर हम कहें जम्मू कश्मीर के जो गांधीनगर थाने में उन्होंने जो थी यहाँ पर शिकायत जो पत्र है वो दर्ज करवाया, शिकायत करवाई कि किस तरह से उनको जान का खतरा है। और अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे को उस तरह से सुरक्षा भी प्रदान किए जाए, लेकिन पुलिस की नज़र जो है इस मामले पर ज़रूर जो है वो बनी रहे। क्योंकि अगर बसंत रथ की बात की जाए तो एक ऐसे ऑफिसर जम्मू कश्मीर को मिले जिन्होंने समय समय पर इस तरह से यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को था, ये जम्मू की जनता ही थी कि बसंत रथ को इतना प्यार जो था रातों रात मिला और एक तरह से सेलिब्रिटी स्टेटस तक बसंत रथ को मिल चुका था। क्योंकि जो लोग कहते थे कि क्या कोई ऐसा अधिकारी, कोई ऐसा ऑफिसर आएगा जो जम्मू कश्मीर का तख्ता पलट करेगा, हालांकि लोगों को ये दिखा। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि बसंत रथ जो आईजीपी रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रहे थे लगातार, उसके बाद अब सरकार हरकत में आई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये जो एक पूरा विवाद था जिसमें डीजीपी को कहीं ना कहीं वो कटाक्ष कर रहे थे दिलबाग सिंह को, और समय समय पर ट्वीट्स के जरिए जो थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे, जनता तक अपने ट्वीट्स जो थे वो पहुंचा रहे थे कि किस तरह से वो बार बार ये कह रहे थे कि उनके जो ट्वीट्स में दिलबाग सिंह इस तरह का नाम भी आता रहा। लेकिन अभी की अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो ऑर्डर फ्लैश हुआ है उसमें कुछ अहम बातें लिखी गई हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लिखी गई है। वो अहम बातें ये है कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है अगेंस्ट श्री बसंत रथ इज कंटेम्पलेटेड इन कनेक्शन विद रिपीटेड इंस्टांसिस ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर, यानी कि जो उनका बर्ताव है, जिस तरह से वो बर्ताव करते आए हैं, शायद वो सरकार को पसंद नहीं आया है, जिसके मद्देनज़र सरकार ने ये कहा है कि उनको निलंबित करने का फैसला जो है वो लिया गया है। और इस तरह का जो बर्ताव है उनके नोटिस में आ रहा था और उसी के बाद उनको निलंबित करने का फैसला जो है वो लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनको बहुत प्यार जो है जम्मू कश्मीर में मिला है, लेकिन इस समय की बात की जाए कि बसंत रथ पर अब गाज सी गिर गई है भारत सरकार की। और गाज इस प्रकार गिरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको निलंबित कर दिया है। और ये भी कहा है कि इट इज़ फर्दर ऑर्डर्ड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस ऑर्डर शेल रिमेन इन फोर्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ श्री बसंत रथ शेल बी जम्मू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड द सेड श्री बसंत रथ शेल नॉट लीव द सेड हेडक्वार्टर्स, यानी कि वो जहाँ पर अभी रुके हैं हेडक्वार्टर्स पर, वहाँ उनको वो छोड़ नहीं सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ डीजीपी, यानी कि डीजीपी की अनुमति के बिना हेडक्वार्टर्स जो है बसंत रथ अभी नहीं छोड़ सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये भी कहा गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड
that this order shall remain in force, that Basant Rath shall be paid substance allowance and dearness allowance as it admissible under Rule 4 of All India Services. यानी कि उनको allowances pay किए जाएंगे, लेकिन क्वार्टर डीजीपी की परमिशन के बिना जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में जिस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला और कहा बदलाव की लहर सी आई है, क्योंकि बसंत रथ ने यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुधारा था, उसके बाद होमगार्ड डिपार्टमेंट का उनको जिम्मा दिया गया। लेकिन अभी की खबर यह है कि जिस तरह से विवादों का सिलसिला चल रहा था, जिस तरह से ट्विटर पर ट्वीट्स के जरिए अपनी आवाज़ जो थे वो पहुंचा रहे थे, वो नागवार गुजरी है और अब जो है सरकार की तरफ से उनको निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।